हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अनामिका आप सभी का वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल बी सिंपल एज लाइफ में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों की सिजीरियन डिलीवरी हो गई है या जिनके सिजीरियन डिलीवरी होने वाली है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनको कब से मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि जो उनके टाके यानी जो स्टिचेस हैं उनमें इन्फेक्शन ना हो, उनमें लालीपन ना हो और उसमें पस ना पड़े, तो हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, तो इसी वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जानते ही हैं ये जो कोविड का टाइम चल रहा है और ये जो सेकेंड वेरिएंट आया हुआ है कोविड का, ये बहुत ही पावरफुल है, तो इसमें आपको डबल मास्क का यूज़ करना है और वैक्सीनेशन आ गए हैं तो सभी लोग जाइए और वैक्सीनेशन लगवाइए जिससे आप भी जो कोविड के इन्फेक्शन से दूर रहें और घर में रहिए, सेफ रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही आपकी सिजीरियन डिलीवरी होती है, डॉक्टर 2 से 3 दिन के बाद आपको मूवमेंट स्टार्ट करने को बोल देते हैं। मूवमेंट का मतलब यहाँ पर ये है, जो डॉक्टर हैं आपको हल्के हल्के धीरे धीरे चलने को बोल देंगे। इससे होता है ये है, जब आप थोड़ा चलेंगे, क्योंकि ऑल टाइम लेटे रहने से भी क्या होता है, हमें डिप्रेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है, जिस कारण जो हमारे जो स्टिचेस हैं वो हील नहीं कर पाते हैं और हम थोड़ा बहुत हल्के हल्के चलेंगे तो इससे जो है हमारे जो स्टिचेस हैं वो जल्दी हील करते हैं और जल्दी सही होते हैं। यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर का काम करना शुरू कर दें। हमें घर का काम नहीं करना चाहिए, जो घर का काम है वो जो आपके बड़े लोग हैं और जो आपका फैमिली मेंबर है वो देख लेंगे, क्योंकि आपको लगभग 1 से 1.25 महीने तक घर का काम, कोई भी भारी काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप अपने जो बच्चा है उसके जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, 1 हफ्ते बाद से जो भी बच्चे के काम है वो आप शुरू कर सकते हैं और आप जो है जितना बच्चे का वेट है उतना आप ले सकते हैं, आप हैवी वेट आपको नहीं उठाना है। ग्रेजुअली आपको 1.5 महीने तक आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है, आप 3 महीने के बाद पूरे परफेक्ट हो जाएंगे और जो डेली वर्क का रूटीन है वो आप 3 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर भारी काम का मतलब ये है कि आपको झाड़ू पोछा नहीं करना है, जो झुकने वाले काम है वो नहीं करने हैं, आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना है और आपको वर्कआउट भी स्टार्ट नहीं करना है। ये सब आप 6 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं, जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं और इन दोनों में आप अपनी जो है और अपने बच्चे की मालिश भी करवानी चाहिए और जो मालिश है वो आपको जो सामने का पोर्शन होता है, जो मालिश जो आपको पेट की नहीं करवानी, बाकी आप बैक की सिजीरियन में मालिश करवा सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा और आप जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी सिजीरियन डिलीवरी होती है और जो हमारे स्टिचेस होते हैं उनमें लालीपन होता है, कई बार उसमें जो है इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण से उसमें पस हो जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना है, जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे जो टाँके हैं उनमें लालीपन है या उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, पस पड़ रहा है, तो उस केस में सीधे आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जो भी आपको डॉक्टर मेडिसिन या ट्यूब दे उसको प्रॉपर लगाना है, क्योंकि टाँके खुलने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होना और बहुत बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ भी हो सकती है, जो कि आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जब आप 1.5 महीने में रिकवर करने वाले होंगे तो इस टाइम में आपको 1 साल भी लग सकता है, तो आप अपना और अपना जो स्टिचेस हैं उनका अच्छे से ध्यान रखिए जिससे आप जल्दी रिकवर कर जाएं। प्रेगनेंसी के टाइम में आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, अगर आप तनाव रहेंगे तो यही जो आपके जो टाँके हैं वो जल्दी हील नहीं करेंगे और इनमें टाइम लग जाएगा, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आप पूरी तरीके से अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। इन दिनों में बस आपका यही काम होता है, क्योंकि सभी लोगों को पता होता है, जो भी घर के मेम्बर्स हैं पता है कि भाई इसकी डिलीवरी हुई है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी संकोच ना करें कि आप सोचें कि अरे मेरे फैमिली मेम्बर्स काम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचें। आप कम से कम 1.25 महीने तक अपना पूरी तरीके से और अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए, तो आप जल्दी सही हो जाएंगे। मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिलीवरी के कितने दिनों के बाद हमें रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको लगभग 3 महीने तक कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, आपको 3 महीने के बाद ही रिलेशन बनाना चाहिए और आप अपने डॉक्टर से एडवाइस भी ले सकते हैं।
आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए और आपके जो टांके हैं वो जल्दी हील कर जाएंगे, तो आप अपना रिलेशनशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों का जब ये सिजीरियन डिलीवरी होती है तो हो सकता है उनका सेकेंड बेबी हो, तो ऐसे में क्या होता है, जो पहला बच्चा होता है वो भी छोटा होता है, तो वो बार बार गोदी आने की कोशिश करता है आपके, और कई बार आपका आपको अपने बच्चे का काम भी करना पड़ सकता है जो बच्चा बड़ा है। तो उस केस में आप बहुत ही हल्के हल्के अपना काम करिए और बच्चे को समझाइए, आप अपने बड़े बच्चे को गोद में ना उठाएं, क्योंकि जो आपके जो स्टिचेस है वो अच्छी तरीके से अभी सही नहीं हुए हैं, जो जो स्टिचेस है उनका खुलने का भी डर रहता है, तो आप अपने बड़े बच्चे को गोद में ना लें, और जो फैमिली मेम्बर्स उनसे कह दीजिए वो उनका ख्याल रख सकते हैं, और आपको अपना ध्यान पूरी तरीके से रखना है। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको जो है हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या डिलीवरी हो चुकी है आपकी सिजीरियन के बाद, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आप जितना हेल्थ का ध्यान रखेंगे आपके जो टांके हैं वो उतनी जल्दी हील करेंगे, उतनी जल्दी आपके जो स्टिचेस हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको अपनी डाइट का और अपने ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके जो स्टिचेस हैं उनमें पानी ना पड़ने पाए, जितने दिन भी आपको जब भी आप नहाएं तो उसके लिए आप क्या है, आप जो अपने स्टिचेस हैं उसको कवर कर लीजिए उसके बाद ही, और जो नहाना भी है आपको तो फटाफट आप नहाएं, बहुत ज़्यादा वॉशरूम में टाइम ना लगाएं, अदरवाइज आपके जो टांके हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है नहाने के टाइम पर। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है आपको कि जो आपके स्टिचेस हैं उनमें पानी ना पड़ने पाए, और आपको जो स्टिचेस है उसकी ड्रेसिंग भी टाइम टाइम पे करानी है, क्यों अब तो क्या होता है जो आपके स्टिचेस होते हैं वो बहुत से जो स्टिचेस होते हैं वो गले वाले होते हैं जो ऑलरेडी अंदर ही अंदर गल जाते हैं और बहुत जल्दी हील भी कर जाते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में आपको घर की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, कोई क्या सोचेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो इस केस में आप अपने पूरी तरीके से आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कॉमेंट कर अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आप मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलते रहे, और जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय, और वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।